ये पिज़्ज़ा ऑमलेट है, और ये जो भैया राजीव भैया, ये द्वारका में इन्होंने शुरू किया था और कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनको फर्स्ट टाइम हम लोग कनॉट प्लेस में हमने फूड फेस्टिवल किया था, वहाँ लेके आए थे। और पीछे ब्रेड की बेस है, ऊपर में ऑमलेट, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, क्रीम, बटर के साथ बनाते हैं। आइए अब इसका जायका लिया जाए। सारी कुलचा तैयार हो गया ना, ये मिक्स कुलचा है, ये आलू प्याज कुलचा सर, जो हमारा बेसिक कुलचा होता है, स्पेशलिटी हमारे सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग है ये। चलिए, और साथ में छोले और इमली की चटनी, छोले और इमली की चटनी जो कुलचे के साथ बहुत जबरदस्त है। क्या बात, आदाब, मैं संजीव सराफ आज जश्न रेखता में मौजूद हूँ, और जश्न रेखता में एक ख़ास जगह है ऐवान जायका, जहाँ पर हमारे कोलैबोरेटर हैं दिल्ली फूड वर्क्स, उन्होंने हिंदुस्तान भर के कुजींस को यहाँ इकट्ठा किया है। बंगाली खाना है, अवधी खाना है, दक्कनी खाना है, बंगाल बिहार से खाना है, तो यहाँ तशरीफ़ लाइए और म्यूज़िक और शायरी के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम फ्लेवर्स का आनंद उठाइए, उसका ज़ौक उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम कैसा लगा खाना आपको? खाना बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ स्टॉल्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब आप खाने से पहले ही टेम्प्ट हो जाते हो कि आपने क्या क्या खाना है, और इतनी वैरायटी है कि आप कंफ्यूज भी हो जा रहे हो कि हमें क्या क्या खाना है। सो ये मेरा फर्स्ट विजिट है इस फेस्टिवल में, एंड थैंक्स टू दिल्ली फूड वर्क्स टीम, मिस्टर अनुभव सर एंड हर्षित, दे हैव इनवाइटेड मी टू द इवेंट, एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक मेरे को पता नहीं था कि दिल्ली में इस टाइप का इतना लार्ज स्केल पे इवेंट होता है, प्लस वी हैव टू टेस्ट दीज डेली केसेस, जो यू नो बिल्कुल कहते हैं ना हैंड पिक्ड किया हुआ है कि ये यहाँ का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है। सो मेरे को एक चांस मिला है ये सब चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे रेखता के प्रोग्राम में सबसे पहले तो राजस्थानी थाली ली है, और हम लोगों ने मिर्ची वड़ा लिया है साथ में। फूड सुपर्ब है और प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम लोगों को बहुत पसंद आया खाना। हाँ, अज पहली बार सानू खुशी है कि इतने दिल्ली का पहला प्रोग्राम असी वेखेगा, इन्ने वधिया कट्ठ, बहुत सोहना जिहड़ा सानू लग्या, और जिहड़ा इत्थे खाने का प्रबंध है वह भी बहुत वधिया, ते इहदी क्वालिटी बहुत वधिया हैगी। Hi, we are just having Amritsari naan with chole, and it's been great. It's been just half an hour that we are here, and I guess we have had this good food after a very long time. And this bazaar, this food bazaar curated by Delhi Food Works, it's just very nice. Such various delicacies. I think I'm just gonna stay here for the night. So yeah, it's been great. It's a very nice experience to come here. I have lived my life in Lucknow, and this is the closest I get to something, the real feel of the Nawabs of Lucknow, when I come and eat the kakori and all the things. So Delhi Food Works, great job, well done, keep it up. Food is really good, there's non-veg and veg. I'm having the best omelette of my life right now. And yeah, nice place, definitely nice mood and yeah. उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। So जश्न रेखता में हूँ, एंड आई एम लिटरली इन्जॉइंग एवरी थिंग, जितना भी सजाया हुआ, इवन खाना, एवरी थिंग इज़ सो सो गुड। लाइक वी वर वेटिंग फॉर जश्न रेखता सिंस अ ईयर, लाइक नाउ आई एम हेयर इन्जॉइंग। थैंक यू। कबाब खाया जाए, अरे वाह, गर्मा गर्म पुरानी दिल्ली का जायका। आज पुरानी दिल्ली उठ के नई दिल्ली आ चुकी है, खेल के मैदान में पेट का खेल होया जा रहा है आज। बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जूसी कबाब से। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पुरानी दिल्ली कौन जाए, भीड़ बहुत है, दो दिन यहाँ आ जाओ। हमने बोला कौन जाए, मुझे शौक याद आ गया। कौन जाए शौक दिल्ली की गलियाँ छोड़ कर, यहाँ आ सकता है दिल्ली की गलियाँ छोड़ कर। बिल्कुल, अभी हमने एलहम का हमने कबाब खाया, बहुत ही बेहतरीन था। उसके अलावा हमने अभी शाही टुकड़ा खा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ का एमबीएस बहुत बेहतरीन है, और दिल्ली फूड वॉक ने
जिस तरह से यहाँ पे कोर्ट सेटअप किए हैं, जिस तरह से शॉप सेटअप किए हैं, एक एक सेलेक्ट करके दिल्ली की बहुत ही बेहतर है। सो इट्स अ वेरी वेल क्यूरेटेड फूड एक्सपीरियंस दैट यू हैव। वी हैव डिफरेंट फ्लेवर्स फ्रॉम इंडिया ऑल अराउंड। सो वेरी नाइस टू सी व्हाट अनुभव जी हैव डन एंड दिल्ली फूड वॉक हैज डन एंड इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव द फूड हियर। ये ज़हरा का फूड स्टॉल है और यहाँ पे हम जायका लेंगे हैदराबादी बिरयानी का। तो ये आ गई हमारी बिरयानी, ऊपर में दो शामी कबाब, रायता और चटनी। ये शामी कबाब जो कि रेशेदार, हाँ और ये जो कॉम्बिनेशन है शामी कबाब का बिरयानी के साथ, मैंने ज़हरा में ये देखा है। फर्स्ट टाइम मैं जब इनके आउटलेट पे गया था तो वहाँ भी जो लोग खाना खा रहे थे सब लोग बिरयानी और कबाब साथ में खा रहे थे और इनके कबाब बहुत ही लजीज हैं। ऐवान जायका जश्न रेखता में जो फूड फेस्टिवल है उसकी एक खासियत है अनुभव सप्रा और अर्षित। जायका तो बहुत है बट आपको इनसे मिलना चाहिए, जायके से भी ज़्यादा मज़ेदार ये लोग हैं। डेली फूड वॉक्स आवर पार्टनर फॉर जश्न रेखता फेस्टिवल 2022। तो ये तंदूरी चाय है जो तंदूर में पकाई गई है और ये हमारा इस साल फूड कोर्ट में एक नया एडिशन है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में इस चाय का एक दीवानापन है, लोग कुल्लड़ में चाय पीना पसंद करते हैं जिसमें आपको अच्छी एक सौंधी खुशबू आती है, एक अर्दी फ्लेवर आता है चाय में, वो भी है इसमें। अदरक के साथ ये चाय बनाई गई है, आइए इसका जायका लेते हैं। बहुत ही शानदार चाय, मज़ा आ गया। यही खास बात है तंदूरी चाय की। तो ये दो यंगस्टर्स हैं, इन्होंने अपना आउटलेट अभी रिसेंटली शुरू किया है चंपारण मीट हाउस से मुखर्जी नगर में। तो इनका एक एडिशन है, ये भुना गोश्त रोल लेके आए। अच्छा, वो खाइए या फिर अउना मीट जो बिहार की एक पहचान बन चुकी है। तो क्या खाएंगे बताइए? रोल खाएंगे ना, रोल खाते हैं, रोल लगाइए। बढ़िया है। इधर आइए। इसका आइडिया कैसे आया? वो तो सर आपने ही सजेस्ट किया था। इनको सजेस्ट करने वाला मैं ही था। मैंने बोला था कि ये फेस्टिवल वगैरह में क्या होता है, लोग आते हैं उनको हैंडी चीज चाहिए होती है, ऑन द गो करीज खाने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आया अपना चिकन मतलब रोल दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो चिकन पका रहे हैं कढ़ाई पे सॉरी तवे पे उसी को चॉप करके वो बना दिया। तो काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लावटी कबाब, उल्टे तवे का पराठा और शीरमाल। हाँ, ये थोड़ा शीरमाल लिया, इस पर थोड़ा कबाब रखा। बढ़िया है, बहुत शानदार कबाब है। मतलब कितने नाजुक है। यस, मतलब लगाते ही हाथ से बिखर जा रही है। हाँ, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पीनेस है इसमें, बस कीमा बना के हल्का तवे पे सेका है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और इसमें वो बाइंडिंग भी नहीं डाली है। ना, बाइंडिंग में डाली नहीं है, तो ये बिखर जा रही है। अब एक बाइट उल्टे तवे के पराठे के साथ लेते हैं। अरे ये मज़ा है फूड कोर्ट में, मतलब आपको पूरे हिंदुस्तान की सैर आप कर सकते हो। यस, यहाँ पे आपको बंगाली खाना खाना है, आपको बिहारी खाना है, आपको अवधी खाना है, आपको दिल्ली का खाना खाना है, पुरानी दिल्ली का खाना खाना है, सब कुछ है यहाँ पे।
अनुभव बताएंगे। अनुभव, इसको मूंगलेट क्यों बोलते हैं? क्या बात है? इसके इसके पीछे कहानी है, इसको मूंगलेट बोला जाता है, ऐसे ऑमलेट होता है वैसे मूंगलेट है। ऑमलेट अंडे से बनता है, ये मूंग की दाल से बनता है, इसलिए इसको मूंगलेट बोला जाता है। और देखिए, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, गला खराब है, और ये इससे अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती थी मुझे खाने के लिए। गले को एकदम सेक मिल रहा है इससे। और मतलब सिर्फ दाल, मैं सोच रहा था कि ऐसी जगहों में चाट वाटी मिलेगी मेडिकली, जो डॉक्टर अप्रूव करे ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि खा लो। जश्न एकता में सभी सेंसेस जो है पूरी तरह से तृप्त हो रही है, कान, आँख और जीभ। मेरा नाम गौरव है और आज हम यहाँ जश्न एकता में हैं, और जश्न एकता की अब एक पहचान बन चुका है इसका ये फूड स्टॉल। और जश्न एकता इसके पहले एडिशन से मैं आ रहा हूँ, जब ये एक ऑडिटोरियम में हुआ करता था, और जब ये अपना स्वरूप बढ़ा के यहाँ पर आया नेशनल स्टेडियम में, तो यहाँ पे ये फूड कोर्ट जो सेटअप हुआ, ये अनुभव भाई ने दिल्ली फूड वॉक्स के उन्होंने सेटअप किया। अनुभव भाई को मैं इस प्रोग्राम के होने से पहले से जानता हूँ, और जानता हूँ कि वो कैसे खाने को लेके पैशनेट हैं। वो आप उनका अगर यूट्यूब ब्लॉग देखें तो कैसे वो जा जाकर हिंदुस्तान भर में वहाँ से उस कल्चर का खाना आप तक लेके आते हैं, बहुत ही सरल वीडियोज़ के ज़रिए। और आज के इस दौर में सिंपल रहना कितना मुश्किल है, वो आपके उन वीडियोस को देख के आप जान पाएंगे। कैसा है? बहुत जबरदस्त है, उम्दा उम्दा। ये बिरयानी अगर हम पुलाव बनाएंगे लखनऊ का, तो एकदम ड्राई हो जाएगा, एकदम ड्राई ड्राई हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और पुलाव तो पुलाव, पुलाव गोश्त देखो कैसे ये मतलब हड्डी से छूट रहा है। इसको सर्व करने का तरीका क्या है कि चावल टूटे नहीं, तो निकाले कैसे? निकालते हैं कि नीचे से निकालें, नीचे से निकालें। राइस को हम लोग लगन में ही बनाते हैं ना, हाँ। वही कारण है, और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे चावल बासमती होते हैं, हम लोग वो नहीं इस्तेमाल करते, कच्चे चावल है ये, तेला इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आपकी बिरयानी खाने में मज़ा आता है। सीला चावल से सख्त वो तो बर्बाद हो जाता, बिरयानी बेकार है, बिरयानी में मज़ा नहीं आता सर। बिरयानी ही नहीं है, बिरयानी नहीं है, वो जो रबर की तरह चबाते रहो उसको, वो स्वाद नहीं आता सीला में। मज़ा बिरयानी खाने का बासमती में ही आता है, या छोटे चावल होते हैं उसमें। वाह, ग्रेवी चेक करिए, शेफ खुद नहीं खाते, हम नॉनवेज नहीं खाते सर। अच्छा, टेस्ट भी नहीं करते बनाते समय, टेस्ट भी हम चेक भी नहीं करते कुछ, ये खुशबू से पकड़ लेते हैं, खुशबू और रंगत से। मुझे ना ये एक चखने के बाद मुझे अपने हाथ खराब करने मंजूर है। हाँ, उठाइए, खा लीजिए बोटी, मजा स्टू का मटा, बोटी की नोचने, नहीं नहीं बोटी नोचने का है, स्टू का मजा वही है। मैंने ऐसा नहीं खाया, ये असली स्टू है सर, इसको बोलते हैं स्टू, इसमें पेवर घी है, प्याज है, दही है, और कुछ नहीं है, हमारे जड़ी बूटी का खेल है बस। अरे ये हमारा प्यार, ये है जश्न एकता का प्यार, ये है तहजीब का प्यार। थैंक्स टू माय बोथ ब्रदर्स, बहुत अच्छा इवेंट है ये, और वी ऑलवेज सेलिब्रेट दिस इवेंट, और इनके जो एफर्ट्स हैं उनको तो हम कहीं नाप तोल नहीं सकते। एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूँगा एकता के लिए, इतने लोग कहते हैं, आई जस्ट से थ्री वर्ड्स, इट्स त्योहार, व्यवहार एंड आहार। क्या बात, मैं तो एक अच्छा तजुर्बा है, एक यूनिक तजुर्बा है जो आप लोगों ने किया है। yes, पर हम तो यहाँ डेढ़ घंटे से घूम रहे हैं, और हमारी बीवी भी, हमारी बेटी भी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड आई विश दिस कुड बी रिपीटेड एल्सवेयर इन दिल्ली। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हेलो, मैं देविका मलिक, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और मैं यहाँ जश्न एकता के फूड कोर्ट में आई हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इस पूरे फेस्टिवल के बारे में पता ही खाने की वजह से चला था, बिकॉज दिल्ली फूड वॉक्स के साथ एक फूड वॉक किया था मैंने, जहाँ पे मुझे पता चला था कि ये फेस्ट हो रहा है और यहाँ ये फूड कोर्ट लग रहा है, और बस अब अगले दो घंटे मैंने यहाँ पर खाना खाना है, फॉर विच आई एम रियली एक्साइटेड, एंड ये बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइज हुआ है, और यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। वो ये है कि हम चंडीगढ़ से भी 50 किलोमीटर आगे से आए हुए हैं, अर्ली मॉर्निंग से 6 AM, और अपनी भूख को हम बचा के लेके आते हैं इस फूड फेस्टिवल के लिए। भूख हमारे साथ सफ़र करती है चंडीगढ़ से यहाँ तक, फिर हम यहाँ टूट पड़ते हैं, हम पता नहीं कितने कैश जमा करा के अब खाते रहेंगे, कल तक यहीं हैं।
एनीथिंग दैट मेक्स पीपल कम टुगेदर फॉरगेट देयर डिफरेंसेस टेस्ट डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इज वर्थवाइल सो दिस फेस्टिवल ऑल्सो इज गुड बिकॉज देयर पीपल आर कमिंग हियर मीटिंग पीपल having food from various areas and learning to appreciate things instead of condemning them or criticizing them. मैं तो जनाब शुरुआत से जश्न रेखता में आ रहा हूँ और आता ही रहूँगा और यहाँ का जो माहौल है ना हम लोग यही कह रहे थे कि 60% माहौल के लिए आते हैं 25% उर्दू के लिए आते हैं बाकी खाने पीने के लिए आते हैं बहुत सुंदर है और जिस ढंग से आप सजाते हैं ना हम तो शायरी पढ़ते रह जाते हैं अंधेरा हो जाता है फूड फेस्टिवल का आलम देखिए कि चार प्लेट खा चुके हैं और अभी पेट नहीं भरा है ना दिल भरा है तो अभी हम ढूंढ रहे हैं हलवे कहाँ मिल रहे हैं हर बार यहाँ हलवे मिलते हैं इस बार आपने कुछ नॉन वेज का माल एडिशनल लगाया ये हमने देखा तो वो भी हम खा के आए अब मिठाई खा रहे हैं आई थिंक दिस प्लेस इज़ वेरी गुड लवली अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है एंड आई एम बेसिकली अ नॉनवेज फैन तो नॉनवेज के स्टॉल देख के मैं तो मुरीद हो गया यहाँ का आज ही आना था मेरे को लेकिन आई थिंक आई हैव टू कम टुमारो वंस अगेन ओनली फॉर फूड हम लोग जायका ले रहे हैं बिहारी खाने का जिसमें हमारे पास लिट्टी है साथ में मटन प्याज आलू बैगन का चोखा धनिया की चटनी हाँ हाँ पहले ना जब तक लिट्टी गर्म है फिर हम मीट खा लेते हैं अजीत भाई एकदम गर्दा कर दिए मज़ा आ गया एकदम सर कुछ बताएंगे कि इनको यहाँ लाने के पीछे किसका आइडिया था क्या सोचती कि भाई ये इस मतलब फंक्शन के अंदर होना चाहिए आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है मैं मुझे एक दिन फेसबुक का मैसेज आता है अजीत भाई का कि मैं नजफगढ़ में रहता हूँ और मैंने अपना होम किचन शुरू किया है इनके होम किचन का नाम था MCF मटन चिकन फिश बाद में इसको इन्होंने मांस भात किया मैंने चेंज करवा के बिहारी किचन करवाया तो मेरा ये था कि मतलब जब मैं घर पर गया तो इन्होंने बिना लहसुन का मटन बनाया था तो एक बड़ा मुझे ताजुब था कि मतलब बिहारी नॉनवेज बिना लहसुन के और बिना बेस प्याज लहसुन तो बेस होता है हमारे खाने का जब खाया मटन तो बहुत ही उम्दा लगा फिर मैंने कहा इनको तो रेखता है बुलाना चाहिए पूरे दिल्ली वाले को भी खाना चाहिए बिल्कुल खाना चाहिए कैसी है टिक्की अरे जबरदस्त है जबरदस्त काफ़ी सही है स्पाइसी भी है हाँ। ये जो टिक्की है ना मूंग दाल स्टफ टिक्की है Hi, I'm Hamza. Hi, I'm Namra. And we are at Rekhta. 2022? Yes. And the food organization by Delhi Food Box is amazing. Amazing. MashaAllah. Quality of food yes. to the best. Yeah, so, this is our first time in Rekhta. It was always on the bucket it's list. It's my third time. Our first time, but we really love it. Especially the vibe. The food is amazing. Tunde kababi, Zehra. Zehra ki biryani and everything. Daulat ki chaat, we tried everything and it's so good. We are yet to explore. Like our stomachs are full but we are like, chalo walk karte hain and then we'll have more. The food is amazing. Abhi hum Daulat ki chaat kha rahe hain. Shahi tukda aur mango ice cream. And the food is just amazing. Usse pehle humne kakori kabab khaye the. Aur kya kya khaya tha? Mughlai parantha khaya tha. Aur bahut culturally rich food hai. And it's amazing. The whole experience is just amazing. एंड श्वेता जी आप बताइए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि गालिब एक साज है जायका एहसास है थैंक यू हर्षित फॉर गेटिंग अस हियर माशाल्लाह भाई ये क्या है क्या ये भल्ला पापड़ी भल्ला ये वो है अपने मंगला की चाट ना मंगला की चाट अगर आप बताया ना हो तो बिग फैंस अच्छा
ये गार्लिक है जो आप कार्य कर रहे हैं लग नहीं रहा तब लग जाएगा तो फायदा क्या फिर।